जनपद में विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण मुख्य प्रशिक्षक सहायक अभियंता इंजीनियर मनोज कुमार की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मास्टर ट्रेनर को सामग्री का वितरण किया गया है, जिससे 2022 का विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न करा सके। उन्होंने कहा कि जनपद में 138 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो 24 जनवरी से जुबली इंटर कॉलेज में 10 दिन तक सभी मतदान कार्मिकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रशिक्षण देंगे, जिससे मतदान कार्मिकों को ईवीएम मशीन के संचालन, मतदान प्रक्रिया के संचालन में कोई दिक्कत ना हो और 2022 का चुनाव सकुशल संपन्न हो सके। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी प्रेमनाथ यादव, अधिशासी अभियंता इंजीनियर अवधेश कुमार सिंह, सहायक निदेशक बजट ब्रजेश यादव सहित मास्टर ट्रेनर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, हम लोग महापौर की बात कर रहे थे उस समय, महापौर से पहले भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि जो सुबह मतदान प्रारंभ करने का समय निर्धारित है उससे 90 मिनट पहले महापौरिंग स्टार्ट करना है। ठीक 90 मिनट पहले दो मतदान अभिकर्ता कम से कम आ जाने चाहिए, यदि वे नहीं आते हैं तो आप 10 से 15 मिनट उनका वेट कर सकते हैं, और यदि उस टाइम में भी वो नहीं आ पाते हैं तो आपके पूरे मतदान टीम जो उस बूथ के लिए गई है वो वहां पर मार्क पोलिंग की प्रोसेस शुरू करेगी। मार्क पोल कराने से पहले इन मशीनों को व्यवस्थित कहां कहां रखना है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे दें आपको। मार्क पोल के दौरान मशीनों की यूनिटों की वास्तविक पोजीशनिंग वही होगी जो वास्तविक पोल के दौरान होता है। कभी कभी क्या होता है कि पीठासीन अधिकारी और उसकी टीम ये तीनों यूनिट वगैरह पास रख लेते हैं और वो मार्क पोल कराना शुरू करते हैं। जो इस बार पूरी की पूरी बूथ की प्रोसेस की वीडियोग्राफी होनी है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, इसलिए आप वहां सचेत रहे कि जो निर्देश है उसी के अनुरूप सब दिखना चाहिए। मतदाता के कंपार्टमेंट में इसमें से दो यूनिट रखी जाएगी, बैलेट यूनिट और वीवीपैट जो मतदाता से ही रिलेटेड है, इसीलिए मतदाता के कंपार्टमेंट में उसको एक दूसरे के पास बिल्कुल सजा के रखेंगे और उसका बराबर कनेक्शन करना है। और फिर उस मतदाता कंपार्टमेंट से 5 मीटर के अंदर, क्योंकि केवल वीवीपैट की 5 मीटर लेंथ की होती है, इसलिए 5 मीटर के अंदर ही जो पीओ पोलिंग अफसर थर्ड है उनको बैठा दिया जाएगा सीओ के साथ। मशीनों का प्रॉपर कनेक्शन का तरीका है कि बैलेट यूनिट के साथ जो केबल लगी है उसका जो फ्री एंड जो सॉकेट रेड और ब्लैक कलर का है उसको वीवीपैट के पीछे कनेक्टिंग कंपार्टमेंट है उसके अंदर लाके जोड़ देना है, और वीवीपैट से जो निकलने वाली केबल है वो सीयू के अंदर उसके पीछे कनेक्टिंग कंपार्टमेंट में जाकर के जोड़ देना है। यूनिट का केबल वीवीपैट में जाएगा और वीवीपैट से निकलने वाली केबल सीयू में चली जाएगी। आप इस वीवीपैट को ध्यान से देखें, इसके पीछे काला नाम लगा है, वो कारण आप है क्या उनको जकड़ने पकड़ने और छोड़ने का काम करता है, लाख लगा हुआ है। तो जब आप इस नाम को हॉरिजॉन्टल डबल पेपर हो हिले डुलेगा नहीं, न घूम सकता है, क्योंकि हमें प्रिंट करवाना है, काम लेना है, तो इसीलिए जब प्रॉपर कनेक्शन हो जाए तो वीवीपैट के पीछे काला नाम जो हॉरिजॉन्टल अवस्था में पड़ा होगा जब आप अपने कह रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट सावधानी है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका वीवीपैट खराब भी हो सकता है, उसे बदलने की नौबत आ जाएगी। और उसके बाद जो सीयू के पीछे कनेक्टिंग कंपार्टमेंट में टॉगल स्विच स्टील
निकल कलर का जवान पोजीशन में लाएंगे तो ये पूरा हमारा मशीन ईवीएम पैड को सीओ से जोड़ना, काला नाप को वर्टिकल खड़ा करना और उसके बाद सीयू में मेन स्विच को आकर के ऑन कर देना है। अब मार्क पोलिंग के दौरान जितने इलेक्शन पोलिंग एजेंट्स हैं और पीओ फंड साहब चले जाएंगे मतदाता कंपार्टमेंट में और सीयू के पास पीठासीन अधिकारी उनको एक मार्क पोल सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट छह कॉलम का है, उसमें पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम प्रत्याशियों का नाम उसी क्रम में लिखना है आपको जिस क्रम में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाँ, आगामी चुनाव के लिए उच्च कोटि का प्रशिक्षण हमारे मतदान कर्मियों को देने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इसीलिए आज मास्टर ट्रेनर्स की प्रशिक्षण किया जा रहा है। अच्छी सामग्री सज्जित की गई है जिसको हम सभी कर्मचारियों को वितरित करेंगे। मास्टर ट्रेनर्स की अच्छी ट्रेनिंग हो रही है, उसमें क्लासरूम्स में छोटे छोटे समूह में ट्रेनिंग्स की जा रही है, प्रोजेक्टर युक्त और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने के लिए कोशिश की जा रही है ताकि मतदाताओं को सुगमतापूर्वक वातावरण में हम लोग मतदान प्रक्रिया संपन्न करा सकें, ज़्यादा समय ना लगे और उनकी दक्षता में वृद्धि हो सके। सर कितने ट्रेनर हैं अभी? हम लोगों ने 138 ट्रेनर्स को ट्रेनिंग करने की हमें कवायद शुरू की है और 24 तारीख से सभी मतदान कर्मचारियों को लगभग 10 दिन तक जुबली इंटर कॉलेज में ट्रेनिंग चलेगी।